5 रुपए का है। हमें लोकल फॉर वोकल पे काम करना चाहिए भाई। ज्यादा दाम बा भाई, 5 रुपया ये कर। हिंदुस्तान की मिट्टी से अपने घर के चिराग को जलाने की कोशिश कर रहे। पहले जमाने के लोग आटा जो गेहूँ पीसना होता था। चलो भैया आ गए हॉस्पिटल, अंधेरा काम है घर में। कम टू माई नो ब्लॉक, कैसे हो आप? सब उम्मीद अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। स्वागत करता हूँ आज छोटी दीपावली ब्लॉक वीडियो में। अभी चल रहा हूँ बाहर। ओहो, अभी मम्मी क्या कर रही हैं? मम्मी दीपक लेने जा रही हैं। सर अब डेली मेरे घर पे आ गए बिकने। धनतेरस का दिन है, सारा साफ सफाई का कार्य हो चुका है और घर पे आ गए दिया बेचने वाले। दिया वाले से मैं पूछता हूँ भाव कैसे है, ये बताएंगे क्या क्या चीज़ें ये बेचते हैं, कितने कितने का देते हैं। आप भी अपने यहाँ दिया अगर खरीदते हैं तो ज़रूर बताइएगा कि दिए का भाव क्या है। लेकिन हम लोग जहाँ रहते हैं वहीं से दिया खरीदते हैं। दीपक जो आज धनतेरस, आपको और पूरे परिवार को दीपावली की हमारी तरफ से, चंदन सोनी आर्ट की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। कमना हो जदवे रही। आइए अब देखिए हमारे गांव में किस तरह से खरीदा जाता है। देखिए घंटी है जो मंडी में बजाया जाता है। इसका जीविया कहाँ है भाई? जीविया यहाँ पर है। जीविया क्या हुआ? देखिए गांव में जीवी इस तरह से बनती है घंटी बजाने के लिए। इसमें दीपक देखिए गांव में, ये 5 रुपए का है। 5 रुपए का है। 3 रुपए का है। 3 रुपए का छोटा वाला। 1 रुपए का। 1 रुपया। आइए दिखाते हैं, ये 1 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया। इसमें तेल थोड़ा सा, इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा, इसमें और ज़्यादा। कैसे देते हैं पूरा? पूरा कैसे देते हैं भाई, पूरा बताइए। ये वाला 500 रुपये सैकड़ा है। हैं ये वाला 300 रुपये है। हैं ये वाला 100 रुपये। वाह भाई 100 रुपया कैसे है? कोसा कैसे तू बेचता बाटा का हो? 5 रुपये। 5 रुपये इस जमाने के लिए बहुत सस्ता है क्योंकि इतना मेहनत लगता है मट्टी ले आना, मट्टी को बनाना, उसके बाद 5 रुपया कंडा हो गया, मतलब गोईठी, जो कोई गोईठी से अच्छा पकता है, इसका कलर आता है, इसलिए कोई आए गोईठी तो नहीं कलर आता है। इसको इसको रुपया का गुटखा खा के थूक देते हैं, इसको पेंट करते हैं, साफ करना पड़ता है। ये तो आपका कभी खराब रहेगा, साल भर में एक त्यौहार आता है, उसके बाद बेचारे बेरोजगारी रह जाते हैं। गिर जाए, फूट भी आई, किसी खराब ना हुई यार। कोई गुटखा खा के तो नुकसान करता, कैंसर हो जा रहा, फलान हो जा रहा है, इससे आपका प्रदूषण नहीं होगा। हाँ गुटखा खा के कैंसर हो जाए, उससे महंगा महंगा सामान खराब हो जा रहा है। 10-10 रुपए रजनीगंधा सब खा के 10 दिन खा के थूक देते हैं, शरीर का नुकसान होता, कपड़ा नुकसान होता, कपड़ा दाग पड़ जाता है। हाँ सही बात, ठीक है। क्या है 2 दिन का त्यौहार, सबका त्यौहार मनाना चाहिए, अपना इज्जत नहीं करना चाहिए, अपना नहीं मनाना चाहिए। मैंने हमें लोकल फॉर वोकल पे काम करना चाहिए कि जो भी यहाँ रहे, जो सामान जहाँ मिले वही लेना चाहिए, यही नहीं? घर की मट्टी है, हमारे नातवाद की जब शादी ब्याह पड़ता है तो ये बेचारे बर्तन देते हैं, तो बोलना नहीं चाहिए। आज चाइना है, मट्टी है, बड़ी मेहनत है, बड़ी मेहनत है। कैसे काम कर रहे बताओ हमके? कैसी माटी लाई, साना में अकड़ी बीना बोके किसान एक तरह मैदा मैदले के बाद चाकी ले जा, 1.5 क्विंटल का चाक तब घिंचब धाई के। अच्छा हाँ, वो मशीन वाला क्या, लाइन वाला? अच्छा तब बनाई, तब कोयला आई, लकड़ी आई, कंडा आई, तब पकाई, तब घर यहाँ लाई, को बढ़िया सा तब जाके। अकी कैसे है ये भाव का? भाव आज का भाव का है? आज की डेट में इसका 100 रुपया में कितना? 100 का 100। हाई कोसा कैसे? 5 रुपया। कोसा 5 रुपया। हाई 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 सब यार 5 रुपया। हाई वाला भरुका भी 5 रुपया। भरुका सारे आइटम 5 रुपया का। बाप भाई, भैया आज की डेट में कोई ऐसा बात नहीं है, 5 रुपया कुछ नहीं, आदमी 10 रुपया कुछ नहीं है, बच्चे 10 रुपया 50 रुपया लेके तोड़ दे रहे हैं। सही तो आपका। अच्छा हाई का है, जैसे गेहूँ पीसा जाता पहले ना, पहले गेहूँ चलता था, पीसा जाता था, लक्ष्मी का काम है कि भाई जाता भी रखते हैं, उसमें दिया जलाते हैं। कितना हो गया भाई? 120। कहाँ से 120 जोड़ना था? अरे हो गया 120। अब 120 रुपया डिस्काउंट ना का, डिस्काउंट का है, डिस्काउंट नहीं आज के दिन, कोई डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं। आज डिस्काउंट देंगे तो बार बार डिस्काउंट देंगे। ले चुके वाला ना, हम भी ले लिए थे, नहीं हम कल ले चुके थे, कल 100 रुपया का 100 हम भी लिए थे, ऐसी बात नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं। गरीब का अगर 10 रुपया 120 अगर गरीब को 10 रुपया बाहर देखिए डिस्काउंट बताइए, डिस्काउंट क्या दे रहे हैं? कितना
कितना? अपने मन से हम कम नहीं कराएंगे, हम पाँच देगा। आप अपने मन से जो कहेंगे 115 देगा। 115 रुपए इन्होंने लिया है, क्या क्या दिए हैं? सब चीज दिया, घाटी। कितना कितना दिया? 100 दिया और दुई घंटा। अरे कहाँ छुट्टा लाए भाई, हम पैसा दे रहे हैं ना, घूम के आइए। हमारे लग छुट्टा नहीं है भाई। ए महेश का कहते हैं भुट्टा से छुट्टा छुट्टा भुट्टा कहाँ है? ड्यूटी सौ का है, पता नहीं कोसा है भाई। तो चरवा लई का है, टीका है कोसा। कितने का कोसा ही? 5 रुपए का भाई, ज्यादा दाम बा भाई, 5 रुपया ये कर। ज्यादा दाम है, हां हाँ? गरीबे के 5 रुपए तो क्या ज्यादा लगा था भाई? हमको ज्यादा लग रहा है, ये कहाँ मेहनत करना है, पेंट पॉलिश करना है, आग जलाना है, लकड़ी 10 रुपए किलो है, 5 रुपए बताइए, मजदूरी भी नहीं आ रहा है। एक भर को बनाइए 5 रुपए का, हम 10 रुपए देना है, बना के दिखाइए। देसी का नारा लगाने वाले लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, दुनिया पूछता है कि 5 रुपए 10 रुपए से कोई चाइना वालों को ठीक है। ठीक है भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी देशवासियों से रिक्वेस्ट है, जो लोग दिवाली मनाना चाहते हैं, हिंदुस्तान की दिवाली जो लोग मनाना चाहते हैं, कृपया हिंदुस्तान के मिट्टी से अपने घर के चिराग को जलाने की कोशिश करें। मेरा अख्तर खान मियां है, मेरा उनसे निवेदन है, क्योंकि हिंदुस्तान की पहचान हिंदुस्तान की मिट्टी से ही होता है, मिट्टी से ही होता है। और हम चाहेंगे भले हम किसी दूसरे कौम के, मैं मुस्लिम हूँ जात का, लेकिन मैं भी चिराग जलाऊंगा, दिया जलाऊंगा इसी हिंदुस्तान के मिट्टी के बने हुए दिए से, ताकि गरीब का रोटी रोजी चल सके। इनको आप दिखाइए कैमरे पे। हाँ, दिखा रहे, इस गरीब की रोजी रोटी सिर्फ 4 दिन की है, उसके बाद इसे कोई पूछने वाला नहीं है, मानने वाला। प्लास्टिक का गिलासा, प्लास्टिक का सारा सारी चीजें फाइबर का हो चुका है, लेकिन आज इस दिवाली को नुकसान करते हैं, लेकिन इस दिवाली के अवसर पे इस गरीब भाई को कम से कम इतना तो प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि ये भारत के मिट्टी से बने हुए दिए का ही प्रयोग करे, न कि चाइनीज, न कि किसी दूसरे प्रकार के लाइट का या रोशनी का हम प्रयोग करें। इसमें आप लोग सभी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। धन्यवाद सर। चलिए अभी मम्मी से मैं पूछता हूँ, बस ने जो है 110 रुपये में, हाँ बंद करो, 110 रुपये में दीपक, कोसा, भरुका, घाटी और जतोला। जतोला बोले तो क्या कह रहे हैं? जाता का होता है भाई, जाता होता है बच्चों खेले संग, जैसे उससे लक्ष्मी जी ऐसे ऐसे करके करते थे उसी तरह ऐसे नहीं जाता उसको बोलते हैं, जिसमें पहले जमाने के लोग आटा जो गेहूं पीसना होता था तो पत्थर का जो गोल गोल चक्की होता है उसी में गेहूं डालते हैं और ऐसे ऐसे पीसते हैं। तो वैसे बच्चों को खेलने का खिलौने का नाम है जाता, उसमें लोग क्या करते हैं धूल माटी डाल के बच्चे खेलते हैं कि हम आटा सान रहे हैं, यही ना, यही सब होता है। तो ले लिया 110 रुपये में, अब चलते हैं हम पोखरे पे। छठ पूजा की तैयारी दीपावली के आने से 6 दिन पहले ही से हो गई है, तो चलिए चलते हैं। भाई साहब आ गए, यहीं पे होता है हमारे यहाँ का छठ पूजन। पता है ये जो देख रहे हो आप खाली जगह ना, ये छठ पूजा के लिए बहुत भरा हुआ था। ये देखो हमारे यहाँ की कितनी प्यारी सुबह होती है। वाह, ओम सूर्याय नमः, देख रहे हो ना कितना प्यारा लग रहा है। ये पास में रहा मंदिर, बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही रमणीय का स्थान है। आइए चलो मैं वहाँ चलता हूँ जहाँ पे जो है वेदी बनी हुई है, वो वहाँ पे वेदी बनती है। वो भी अच्छी खासी तैयार हो गई है, चलता हूँ, भूख बहुत तेज लगी है, देखता हूँ मम्मी ने क्या बनाया है। गैस घर पे आते आते चलो, खुला हुआ है यहाँ पर, भूख लग गई है, पहले भोजन करें, है ना। मम्मी निकाली होंगे मेरे लिए, चलो जय जय श्री राम। कहाँ बैठ के खाया जाए? हाँ यही खाया जाए, ये ठीक रहेगा। हाँ वह
हमारे यहाँ तो इस भोजन को बड़े चाव से खाते हैं, वो भी हाथ से, समझ रहे हैं, हाथ से जो मजा आता है वो मजा और कहीं नहीं आता है, है ना। वैसे आपके यहाँ इस जो मैं भोजन किया हूँ, इस भोजन को क्या बोलते हैं कमेंट बजाइएगा, है ना। और ये मैं अपना लगा लिया हैट, मस्त मस्त रहा हूँ ना, है ना दोस्तों। मम्मी को लेना है हॉस्पिटल में, दिखाना है उनको, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक है, देखता हूँ वो तैयार हुई है कि नहीं हुई है। चलो भाई, हाँ ले चलते हैं, चलो पर्चा तैयार हो गया, चलो रहन दो, हल्का फुल्का बंद रहन दो, चलो 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 भाई चलते हैं। चलो भैया आ गए हॉस्पिटल, मम्मी को दिखा दे यहाँ पे। गाइज अंदर आ ही गए, आज बहुत ही शांत माहौल है ना। चलिए दवा ले लीजिए पहले। दवा मिल गई है 10 दिन की, उसके बाद फिर डॉक्टर साहब ने बुलाया कि 10 दिन बाद आना है। आ रहे मम्मी पीछे, हम आगे आ गए हमेशा। चलते हैं घर पे, अब आ गए दवा लेकर के। पहले पानी लाऊं, को प्यास लगी है, अंधेरा कायम है घर में, कहो। अरे भाई क्या करें, समय इंसान है ना। पानी हो गया भैया, चलो प्यास लगी है, पहले पानी पी लें, उसके बाद पहले पानी काम। तो गाइज आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद है बहुत ही पसंद आया, क्योंकि अख्तर मियां ने बोला कि हमारे प्यारे देशवासियों हमारे भारत में बने हुए दीपक का प्रयोग करें, क्योंकि यहाँ के लोग मेहनत करके वो दीपक बनाते हैं और आपके यहाँ वो दीपक सुख शांति समृद्धि लाएगी। कैसा लगा अख्तर मियां का, जो अख्तर मियां है तो मुस्लिम लेकिन हिंदू धर्म को भी मानते हैं। हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद है, पसंद आएगा चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को आज पे शेयर करिए, हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्यारे प्यारे ब्लॉग वीडियो साथ, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, शुभ अखाय।